तमाम भोजपुरी श्रोताओं, दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन स्वागत करते हुए कोटि कोटि नमन कर रहा हूँ। मेरा नाम नागेंद्र उजाला हुआ जी। नागेंद्र जी, ये किस करियर से शुरुआत आपने किया और क्या जैसे अपने करियर में बनना चाहते हैं? दरअसल मैंने तो अपने करियर की शुरुआत राइटिंग से किया था, मगर आगे चल करके कुछ पहले से गाने की उम्मीद थी, दिल में ललक थी, कुछ परेशानियाँ थी जिस वजह से मैं गा नहीं पा रहा था। तो लिखते लिखते मैं गाना भी शुरू किया और आज आप लोग के आशीर्वाद से, भोजपुरी श्रोताओं के आशीर्वाद से एक मुकाम पे हूँ। आप लोग का प्यार है जो आज मुझे पूरे भोजपुरी क्षेत्र के लोग पसंद कर रहे हैं गायक के रूप में। आने वाली फिल्में के बारे में बताइए, कौन सी फिल्म आ रही है? फिल्म की अभी तैयारी चल रही है, अभी प्रोडक्शन नंबर 1 नाम है, अभी नाम टाइटल फाइनल नहीं हुआ है, बहुत जल्द टाइटल फाइनल हो जाने वाला है। उस फिल्म पे अभी काम चल रही है। फिल्म भी आप कह रहे जिसमें कुछ रोल भी थे? दरअसल एक छोटी सी फिल्म थी मेरे कंपनी से, एंगल म्यूजिक से, उसमें मैंने एक मैं गाया गाना गाया था, उसमें मैं उस पे अपने किया था, अपने ही गाने पे। आपके गानों के बारे में बताइए, किस तरह के गाने गए हैं और गाके बताइए। बिल्कुल, सबसे पहले तो मेरा गाना पहला हिट हुआ था आज से 3 साल पहले, यानी 2005 में मेरा गाना हिट हुआ था, पियहू पातर हो जीबा, काफ़ी दर्शकों ने प्यार दुलार मुझे दिया। उसके बाद से मेरा गाना हिट हुआ, हमरा चुड़िया परे हो चुड़िहार बलम जी के नाम लिख द। फिर उसके बाद से मेरा गाना हिट हुआ, अखिया फर 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 करता दिलवा धक धक धड़कता। अभी विगत वर्ष 2016 लास्ट में जहर बना गेलू जिनगिया, चुड़िया सरापता बलम हुआ कजरा सरापता, और अभी 2017 में देवरा दही पे मले साबुन, ये मेरा गाना काफ़ी चर्चा में है, भोजपुरी समाज का काफ़ी प्यार दुलार मिल रहा है मुझे। दो लाइन गा दीजिए। जी, मेरा सबसे फेवरेट गाना हुआ था आँखिया फर फर फरकता, जिसको समाज के काफ़ी लोगों ने पसंद किया, हर तबके के लोगों ने उस गीत को सुना और प्यार दुलार दिया। मैं दो लाइन उसका सुनाना चाहूँगा। आँखिया फर 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 काता दिलवा धक धक धड़कता, सजनी सजनी हमरा दिल में समा जा, प्यार करेला मन तरसता। अखिया फर 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 काता दिलवा धक धक धड़कता। मैं अपने दर्शकों से यही कहूँगा कि आप नागेंद्र उजाला पर हमेशा आशीर्वाद प्यार दुलार बनाए रखें, क्योंकि आज नागेंद्र उजाला जो भी है आप लोग के प्यार दुलार आशीर्वाद से है। अगर आपका प्यार दुलार मेरे सर से हट गया तो फिर नागेंद्र उजाला किसी काम का नहीं। आप लोग का प्यार दुलार हमेशा मिलते रहे और आप लोग हमेशा हमें सुनते रहें और अपनी राय भी हमें देते रहें, बस मैं यही कहूँगा जी। आप मूल जी अभी भोजपुरी के लिए एक उभरता हुआ नया चेहरा है और इनकी आवाज़ में वो जादू है कि दर्शक लोग थिरकने पर मजबूर हो जाते हैं। तो मेरी यही कोशिश रहती है कि जो लोग भी नए लोग आते हैं तो मुंबई में इंडस्ट्री में जल्दी लोग किसी नए को चांस नहीं देते हैं। किसी दिन मैं भी नया था और मैंने भी बहुत स्ट्रगल किया है, तो आज मैं इंडस्ट्री में एक मुकाम पे हूँ। तो मैं भी चाहता हूँ कि जो नए लोग हैं उनमें जुनून है काम करने का और उनमें क्वालिटी है, तो हमें उनको एक बार मौका जरूर देना चाहिए।